वेलकम बैक टू प्राणी जोन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हेड शेफ तो नहीं है, हम हेड शेफ के बिना ही आज आपके सामने आ गए। तो आज हम बनाने वाले हैं जैक फ्रूट की आइसक्रीम। तो देखते हैं कि जैक फ्रूट की आइसक्रीम कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, हमको जैक फ्रूट आइसक्रीम बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है जैक फ्रूट 10 पीसेस, शुगर 50 ग्राम्स, मिल्क पाउडर 150 ग्राम्स, कस्टर्ड पाउडर 35 ग्राम्स यानी के 3 टेबलस्पून्स, मिल्क 500 ml यानी के हाफ लीटर। और अब हम देखते हैं कि इसकी आइसक्रीम जो है वो किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जैक फ्रूट जो है उसके बीज निकाल के अलग करके उसका पेस्ट ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये देखिए, इसका पेस्ट जो है वो रेडी है, इसको अभी हम लोग आइसक्रीम में मिक्स करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये हाफ लीटर दूध ले लिया है और इसमें अभी हम लोग जो है वो मिल्क पाउडर जो है वो मिक्स कर रहे हैं। हमने एक्चुअली इसको ठंडे ही दूध में मिक्स कर लिया है, क्योंकि अगर हम गर्म दूध में करते हैं तो उसके लम्प्स बन जाएंगे जो कि बाद में निकालने बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। तो बेटर ये होता है कि ठंडे दूध में ही इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाए और उसके बाद दूध को गर्म किया जाए। ये देखिए, इस तरह से हम बार बार ऐसे करेंगे तो लम्प्स जो है वो निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है मिल्क पाउडर और मिल्क। अब हम इसको बॉईल के लिए रख देंगे, इसको थोड़ी देर बॉईल करेंगे। तो ये जब हमने मिल्क और उसमें मिल्क पाउडर मिक्स करके बॉईल करने के लिए रखा है तो उसमें हम साथ में ही शुगर जो है वो भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कटोरी में 2 चम्मच दूध ले लिया है और इसमें हम लोग 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर जो है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। थ्री टेबलस्पून्स हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमने इसमें देखिए, ये टेबल्स जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था वो हम लोग इस बॉइल्ड मिल्क में अभी हम ऐड कर रहे हैं। ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद हमको इसको थोड़ा सा और बॉईल करना है और हमको इसको कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहना है ताकि नीचे ना लग जाए। ये हमको तब कॉन्टिन्यूसली तब तक बॉईल करना है जब तक जो मिल्क है वो आधा नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये काफी कम हो गया है। तो अभी हम इसमें मिक्स करेंगे जैक फ्रूट का जो पेस्ट हमने बनाया है वो हम इसको इसमें मिल्क में अभी मिक्स करेंगे। ये देखिए, मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से स्टिर करेंगे और उसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमको इसको अच्छे से स्टिर करना है क्योंकि पतीला गर्म है तो कपड़े से पकड़ना बेहतर रहेगा। और देखिए, काफ़ी
गाढ़ा सा हो गया है। देखिए काफी गाढ़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमको इसको मिक्सर में डालना है, मिक्सर ग्राइंडर में, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है। फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे और उसके 2 घंटे बाद फिर से एक बार मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा मिक्सचर जो है वो अब ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सर में डाल रहे हैं और इसको फिर हम लोग जो है एक बार मिक्सी में फिर से अच्छे से पीसेंगे और फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। फिर 2 घंटे के बाद फिर से हम निकाल के उसको एक बार मिक्सर में डाल करके फिर से पीसेंगे। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फिर हम उसको फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर हम निकाल करके इसको पीसेंगे। तो इस तरह से हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल बाजार के जैसी। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको पतीले में डाल रहे हैं फिर से, और देखिए पहले कितना गाढ़ा गाढ़ा सा था और अभी देखिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे लिक्विड बन गया है। और ये प्रोसेस हमको बार बार रिपीट करनी है। और इसको हम लोग अगर स्टील के बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तन में डाल के फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू प्लास्टिक के या ग्लास के बर्तन में। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी 2 घंटे हो गए इसको फ्रीजर में रखे हुए, तो इसमें कुछ फोम आ गई है। ये फोम आनी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आइसक्रीम बनाने के लिए। अभी हम इसको फिर से मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और हम इसको फिर दोबारा से एक बार ग्राइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स हमारी आइसक्रीम जो है वो बनके रेडी हो गई है और देखिए इसमें कितनी फोम आई हुई है और देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रही है। फ्रेंड्स जो जैकफ्रूट की आइसक्रीम है इसमें कुछ खास बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। रात कोई भी आइसक्रीम बनाते हुए जब हम घर में बनाते हैं और हम चाहते हैं बिल्कुल बाजार की जैसी बने, तो उसको क्या है जैसे कि हमने हर 2 घंटे के बाद 3 बार जो जितनी जम गई थी उसको निकाल करके दोबारा एक बार मिक्सर ग्राइंडर में उसको एक बार अच्छे से दोबारा से मिक्स करके फिर हमने उसको कंटेनर में डाल दिया। उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर से हमने उसको मिक्स करके कंटेनर में डाल दिया और 2 घंटे के बाद फिर से हमने मिक्स करके कंटेनर में डाल दिया। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो बिल्कुल सॉलिड जो है, बिल्कुल सॉलिड तरह की आइसक्रीम जो है वो ना बन जाए। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम जो है वो किस तरह की बनी है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसी ही बनी है। देखिए बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल जैसे मार्केट में हम लोग को निकालता है स्कूप निकाल कर देता है, बिल्कुल सेम वैसा ही स्कूप बना है। ये देखिए उतने ही अच्छे से निकल रही है और ये सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने इसको बार बार मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पीसा है। ये देखिए तो फ्रेंड्स देखिए ये आइसक्रीम। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा आइसक्रीम, हमारी आइसक्रीम बनाने की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।